गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स नाइन्थ बायोलॉजी क्लास. वी हैव स्टार्टेड अ चैप्टर टिश्यूज. आज हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. हमारा फर्स्ट टॉपिक है परमानेंट टिश्यूज. परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यूज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. ओके, जो परमानेंट टिश्यू है स्टूडेंट्स वो किसके बने हुए हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के. ओके, ये हम चैप्टर्स थर्ड टाइम रिवाइज करने जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स प्लीज आप अच्छे से कीजिएगा इसके. दे डू नॉट डिवाइड एंड हैव अ परमानेंट शेप एंड द साइज. ना तो ये डिवाइड होते हैं, इनकी एक परमानेंट शेप है और परमानेंट क्या है? साइज है. दे डिफ्रेंशिएट इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू. ये डिफ्रेंशिएट किसमें? डिफरेंट टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू पे. परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू मेन टाइप. परमानेंट टिश्यू के हैं टू मेन टाइप्स है. दे आर सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. ओके, हमने स्टूडेंट्स क्लियर हो गया आपको, एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गया, एक आपके पास क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. अब हम बात करें सिंपल की. दे आर मेड अप ऑफ द वन टाइप ऑफ दिस सेल्स. ये इसके बने वन टाइप ऑफ दिस सेल्स के. दे आर ऑफ थ्री टाइप्स हैं, कॉल्ड पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेन्काइमा. ओके, आपके पास क्लियर हो गया पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेन्काइमा. सबसे पहले हम बात करें पैरेन्काइमा की, जनरल वे में हम बात कर रहे हैं. अनस्पेशलाइज सेल्स स्टूडेंट्स, ये क्या हो गए? अनस्पेशलाइज सेल्स हैं विथ थिन प्राइमरी वॉल्स हैं. फंक्शंस क्या है? फोटोसिंथेसिस, सिक्रीशन, स्टोरेज. कोलेन्काइमा क्या है? एलोंगेटेड सेल्स हैं विद अनइवन प्राइमरी वॉल्स हैं, और जो कि कहाँ पे रहती है? मेच्योरिटी पे. और कहाँ पे सपोर्ट करते हैं? लीव्स एंड दी स्टेम को. स्क्लेन्काइमा में स्टूडेंट्स को क्या आ जाएगा? एलोंगेटेड विद वेरी थिक सेकेंडरी वॉल्स हैं, थिक सेकेंडरी वॉल्स हैं. और मेच्योर टाइम में क्या है? डेड हो जाती है. उनका काम क्या है? सपोर्ट करना. ओके, अब हम डिटेल में करेंगे पैरेन्काइमा. ठीक है, पैरेन्काइमा में क्या आ जाएगा? इट कंसिस्ट ऑफ लूजली पैक्ड थिन वॉल सेल्स हैविंग मोर इंटरसेलुलर स्पेस. ओके स्टूडेंट्स, मींस इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो क्या है? ज्यादा होती है. ठीक है, दे आर लूजली पैक्ड. ओके, कंसिस्ट ऑफ द लूजली पैक्ड थिन वॉल सेल हैविंग अ मोर इंटरसेलुलर स्पेस. और आपको दिखाई भी दे रही है, देखो इंटरसेलुलर स्पेस. ठीक है, ये इनके बीच में देखो वन, ये होती है सेलुलर स्पेस. आगे स्टूडेंट हमारे पास सम पैरेन्काइमा सेल्स इन द लीव्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड प्रिपेयर्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस. जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं लीव्स में वो क्या कंटेन करते हैं? क्लोरोप्लास्ट. और क्या वो क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं. किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए. सम पैरेन्काइमा सेल्स हैव लार्ज एयर कैविटी. जो पैरेन्काइमा में क्या है? लार्ज एयर कैविटीज हैं. और वो किसमें हेल्प करते हैं? प्लांट्स टू फ्लोट ऑन दी वाटर, वाटर में फ्लोट करने के लिए. सम पैरेन्काइमा सेल्स ऑफ द रूट्स एंड दी स्टेम स्टोर वाटर, वाटर को स्टोर किया और मिनरल्स को स्टोर किया. ओके स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया पैरेन्काइमा के बारे में. नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा इसमें कोलेन्काइमा. अब हम क्या पढ़ रहे हैं? कोलेन्काइमा के बारे में. इट कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड सेल्स हैविंग लेस इंटरसेलुलर स्पेस. इनके बीच में क्या है? लेस इंटरसेलुलर स्पेस है एंड थिकर एट द कॉर्नर्स. कॉर्नर्स क्या होते हैं? थिक होते हैं. दे गिव फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाउज इजी बेंडिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स लाइक स्टेम, लीफ एटसेट्रा. ओके, मींस कॉर्नर्स से क्या है? थिक है, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं और क्या करते हैं? बेंडिंग ऑफ द पार्ट्स. ठीक है, कुछ पार्ट्स क्या होते हैं? बेंड होते हैं लाइक स्टेम, लीफ एटसेट्रा. दे ऑल्सो गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट. और ये क्या देते हैं? मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं प्लांट को. ओके, आगे देखो स्टूडेंट हमारे पास क्या है. स्क्लेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ द लॉन्ग नैरो डेड थिक वॉल सेल्स हैं. ये किसके बने हुए? लॉन्ग नैरो डेड थिक वॉल सेल्स हैं. द सेल वॉल कंटेन लिग्निन. सेल वॉल क्या कंटेन करता है? लिग्निन, जो कि केमिकल सब्सटेंस है. और इसका क्या काम है? वो सीमेंट की तरह काम करता है और हार्डन्स रखता है. ओके, स्क्लेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो डेड थिक वॉल सेल्स. द सेल वॉल कंटेन लिग्निन, अ केमिकल सब्सटेंस है जो कि सीमेंट की तरह काम करता है और सबको हार्ड बना के रखते हैं. इट गिव्स स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस टू द प्लांट पार्ट्स. ठीक है, ये स्ट्रेंथ देता है और हार्डनेस देता है प्लांट के पार्ट्स को. आगे देखो स्टूडेंट, ये डायग्राम है. डायग्राम आपको बहुत अच्छे से करनी है, जस्ट बिकॉज एग्जाम में डायग्राम जरूर आते हैं. ओके, आप चाहे अपनी बुक में से कर लेना. पैरेन्काइमा टिश्यू, देखो पैरेन्काइमा क्रॉस सेक्शनल एरिया है. इंटरसेलुलर स्पेस आपको दिख रही है ना इसके बीच में. आगे देखो लॉन्गिट्यूडनल एरिया में न्यूक्लियस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, पिट्स, वैक्यूल. ओके, अब देखो
हमने क्या देखा था आगे, देखो मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। दूसरा हमारे पास क्या है, स्क्लेरेन्काइमा क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाई दे रहा है आपको, न्यूक्लियस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, लॉन्गिट्यूडनल एरिया भी आपको है सामने। आगे स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू, फाइबर्स हैं, सिंगल सिटिस्टोन सेल हो गए, ल्यूमन, ल्यूमन आपको पता है ना क्या होता है, लाइक जो एम्प्टी पोर्शन होता है बीच में स्पेस होती है, एम्प्टी स्पेस को ल्यूमन बोलते हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरियाज में भी आपको दिखाया गया, देखो दिस इज अ ल्यूमन, कैनाल्स, क्लेरिट्स, फाइबर्स। ओके आज हम इतना ही करेंगे, थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।